ऑप्शन अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक कीज। व्हाट इज अ पब्लिक की सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड एनी डिजिटल सर्टिफिकेट is produced to exchange a public key. It holds a public key. अक्सर आपने ये देखा कि आप किसी वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं, अब तो ब्राउजर्स एडवांस हो गए हैं, आप वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं, वेब सर्वर आपको अपना सर्टिफिकेट पुश करता है। वो सर्टिफिकेट पुश करता है, उस सर्टिफिकेट की बिना के ऊपर फिर आप फ्यूचर की कम्युनिकेशन करते हैं। ये सर्टिफिकेट वेब सर्वर आपको क्यों देता है? क्योंकि इसके बाद होने वाली सारी कम्युनिकेशन सिक्योर हो सके। इस सर्टिफिकेट में आपके पास क्या आता है? ये सर्टिफिकेट आपके पास उस वेब सर्वर की पब्लिक की लेके आता है। सो दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, अ फाइल विच योर ब्राउजर रिसीव्स फ्रॉम द वेब सर्वर, एंड दैट फाइल ब्रिंग्स द पब्लिक की ऑफ योर वेब सर्वर। बट थिंग इज, हु इश्यूज दीज सर्टिफिकेट्स? यानी इस सर्टिफिकेट की जो इश्यूएंस है उसका अलमबरदार कौन है? हु प्रोड्यूसेस दीज डॉक्यूमेंट्स सो दैट दीज वेब सर्वर्स देन सेंड दीज डॉक्यूमेंट्स टू द क्लाइंट्स फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। तो इसकी भी एक अथॉरिटी है, एंड दैट अथॉरिटी इज कॉल्ड सर्टिफिकेट अथॉरिटी, CA। सर्टिफिकेट अथॉरिटी बिल्कुल इस तरह जहां पब्लिक की अथॉरिटी है, वह सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी सेंटर में बैठ के सर्टिफिकेट्स के मामलात को राइज करेगी, वजह करेगी। तो देखते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी किस तरह काम करती है। सर्टिफिकेट्स अलाउ की एक्सचेंज विदाउट रियल टाइम एक्सेस टू द पब्लिक की अथॉरिटी। ये सबसे बड़ा एज है सर्टिफिकेट्स का, कि आपको वो जो पब्लिक की अथॉरिटी है उसके साथ कम्युनिकेशन हर वक्त जरूरी नहीं आपकी हो रही हो। एक दफा सर्टिफिकेट इशू हो गया तो आपका जो सर्वर है वो ऑफलाइन जा सकता है। अ सर्टिफिकेट बाइंड्स आइडेंटिटी टू द पब्लिक की। यानी एलिस ये एक आइडेंटिटी है और उसकी एक पब्लिक की, इन दोनों को एक डॉक्यूमेंट में रख के उस पर सनद कर देना कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड अ सर्टिफिकेट। इसमें और भी इंफॉर्मेशन होती है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी, राइट्स ऑफ यूज एटसेट्रा, बट एट द मिनिमम नेम ऑफ द ओनर एंड द पब्लिक की ऑफ द ओनर विद ऑल कॉन्टेंट्स साइंड बाय अ ट्रस्टेड पब्लिक की और सर्टिफिकेट अथॉरिटी। और ये सारा का सारा कॉन्टेंट साइन हुआ होता है। साइनिंग क्या है, दैट प्रोसेस वी विल स्टडी शॉर्टली, क्योंकि इसके लिए हमें अब एनक्रिप्शन के साथ साथ हैशिंग को भी पढ़ना है, और हैशिंग को हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ, तो इसमें हैशिंग का ताल्लुक है। सो कैन बी वेरीफाइड बाय एनीवन हु नोज द पब्लिक की, अथॉरिटी इज पब्लिक की। यानी इस सर्टिफिकेट को मैंने रिसीव करके एक्सेप्ट कर लेना है या नहीं कर लेना, ये डिपेंड करता है कि अगर इस शख्स का भी रब्ता उस सर्टिफिकेट अथॉरिटी के साथ कभी ना कभी हुआ था तो ये इस सर्टिफिकेट को टिक करेगा कि ये मैं मानता हूं। अगर इसको इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी का नहीं पता जिसने इसको सर्टिफिकेट इशू किया है, तो ये इस सर्टिफिकेट पर भी क्वेश्चन मार्क रेज कर देगा और आपके ब्राउजर में वो मैसेज आ जाएगा कि ये वेबसाइट अनट्रस्टेड है, अनट्रस्टेड वेबसाइट, क्योंकि आप उसकी पब्लिक की को वेरीफाई नहीं कर सक रहे। आइदर उसकी सर्टिफिकेट अथॉरिटी का आपको इलम नहीं है, या उसकी सर्टिफिकेट अथॉरिटी से आपका रब्ता नहीं हो रहा। एक दफा रब्ता होना तो बहरहाल जरूरी है। सो इसमें प्रोसेस क्या है,
कि ए और बी ने अभी बात नहीं करना चाहिए, इसमें क्या था कि ए और बी ने बात करना चाहिए तो उन्होंने रुजू किया पब्लिक की अथॉरिटी से। इसमें क्या है कि अभी बात नहीं शुरू की, पहले स्टेप के ऊपर ही ए ने अपनी पब्लिक की सर्टिफिकेट अथॉरिटी को भिजवाई कि मेरी ये पब्लिक की है, क्योंकि वो जो आर एस ए एल्गो है वो तो सारा यहां पे चला है ना, वो जो प्राइम नंबर्स पी और क्यू थे वो तो सब इधर चले हैं, एन इधर कैलकुलेट हुआ है, टी इधर कैलकुलेट हुआ है, ई और डी ये सब इधर बने हैं। तो अब उसने अपनी ई कॉमा एन वैल्यूज जो हैं ये उसने भिजवा दी है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने उसकी वो जो पब्लिक की है उसको साइन किया है, दिस इज साइनिंग फॉर्मूला, और हमने अभी हैशिंग नहीं पढ़ी हुई तो हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी, और उसने वो वापस भेज दिया है एक सर्टिफिकेट की शक्ल में। सो अ सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड। अब ए ने बी से बात करनी है नहीं करनी है वो बाद की बात है। ए ने अपना मामला सीधे कर लिए हैं, उसने अपनी पब्लिक की को सर्टिफिकेट अथॉरिटी से मोहर शुदा करा के वापस ले लिया, यही काम इसने किया है, इसने अपनी पब्लिक की भेजी है और उसको वैलिडेट करा लिया है सर्टिफिकेट अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट की शक्ल में। इसके नतीजे में बॉब के पास बॉब का सनद शुदा सर्टिफिकेट आ गया है बॉब की पब्लिक की के साथ, और एलिस के पास एलिस का सर्टिफिकेट आ गया है एलिस की पब्लिक की के साथ, सनद शुदा सर्टिफिकेट अथॉरिटी से। बस ये रख लें, इनको नहीं करें आगे कोई भी कम्युनिकेशन, और अगर इन्होंने कम्युनिकेशन करनी है तो एलिस ने बॉब को अपना सर्टिफिकेट भेजना है जो कि बॉब ने वेरीफाई करना है। अब ये वेरीफाई कैसे होता है, इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर सर्टिफिकेट अथॉरिटी का ऑन होना जरूरी नहीं है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैन गो ऑफलाइन, क्योंकि आपने एक दफा उससे सर्टिफिकेट जब लेना है तब यू शुड बी एबल टू टॉक टू सर्टिफिकेट अथॉरिटी। वंस यू गॉट द सर्टिफिकेट देन योर कम्युनिकेशन विद सर्टिफिकेट अथॉरिटी इज नो मोर नीडेड फॉर वेरिफिकेशन। और इसी तरह बी ने अगर ए से कम्युनिकेट करना है तो बी ए को अपनी पब्लिक की सेंड करेगा और ए ने उसको वेरीफाई करना है कि ये बात ठीक हो रही है कि नहीं, ये इसी की पब्लिक की है। सो वंस द पब्लिक कीज आर एक्सचेंज्ड लेटर ऑन दे कैन स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर यूजिंग द सेशन कीज। सो पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीक्रेट कीज कैसे होगी, यूज द प्रीवियस मेथड्स टू ऑब्टेन पब्लिक की, नंबर वन, यानी आपने सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की सीक्रेट कीज का तबादला करना है तो पहला स्टेप क्या है, पीछे बताए गए सारे मेथड्स में से किसी को भी इस्तेमाल करके आप पहले पब्लिक की पकड़ें, और ये जो पब्लिक की आपने ली है इसको आप सीक्रेसी के लिए भी यूज कर सकते हैं और ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी वेरिफिकेशन के लिए भी है और इंक्रिप्शन के लिए भी है, ये हमें पता है पब्लिक की का। बट पब्लिक की एल्गोरिथम्स आर स्लो, सो यूजुअली वी वांट टू यूज प्राइवेट की इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट मैसेज कंटेंट्स, हेंस नीड अ सेशन की। सो वी हैव सेवरल अल्टरनेटिव्स फॉर निगोशिएटिंग अ सूटेबल सेशन। सेशन की के तबादले के लिए आप डिफी हेलमैन को यूज कर लें या आरएसए को यूज कर लें, यानी पब्लिक की के जरिए प्राइवेट की का तबादला कर लें। तो पब्लिक की की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप सीक्रेट की भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद एन इंट्रोडक्शन ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। और विद दिस वी आर डन विद एनक्रिप्शन थिंग। अगर हम बात करें अपनी प्राइवेसी वाले एस्पेक्ट के जर्नी की जो हमने स्टार्ट किया हुआ है आफ्टर टनलिंग, तो हमने इस चीज को कंक्लूड किया था कि प्राइवेसी या प्राइवेट नेटवर्किंग
VPN पढ़ रहे हैं हम, VN plus PN मिलके बनता है VPN, VN is tunneling, we talked about that, PN is privacy, and privacy is cryptography, authentication, non-repudiation, anti-replay. Cryptography के अंदर confidentiality एक बहुत बड़ा pillar है, which is encryption. It conceals the message content through encryption. अब encryption की कितनी types थी वो हमने देखा, asymmetric और symmetric. अब क्रिप्टोग्राफी में ही है, लेकिन जो नेक्स्ट मौजू आएगा जेरे बहस वो इंटेग्रिटी का मौजू है. इंटेग्रिटी का मौजू ये कहता है कि अगर किसी के पास मैसेज था और उसने उस मैसेज को साइफर में से गुजार कर एनक्रिप्ट कर दिया, मैसेज को साइफर में से गुजार कर एनक्रिप्ट कर दिया, तो क्या कोई और शख्स किसी डिफरेंट मैसेज को साइफर से गुजार कर एनक्रिप्ट कर दे, यानी मैसेज में तब्दीली और रद्दो बदल कर उसे एनक्रिप्ट कर सेंड कर दे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज रास्ते में मॉडिफाई हुआ है, मॉडिफिकेशन हुई है या नहीं, इसको कैसे डिटेक्ट करें, इसका फूल प्रूफ क्या तरीका है. तो रीडेबिलिटी प्रोटेक्शन पे तो बात हो गई, अब मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन पर बात होना बाकी है. मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन इंटेग्रिटी कहलाती है कि डेटा इज टाइटली इंटीग्रेटेड इन द सेम फॉर्म इट वॉज सेंट बाय द सेंडर. और इसको प्रैक्टिकली इंश्योर करने के जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स हैं, दे आर नोन एज हैश एल्गोस या हैशिंग. तो जिस तरह इंक्रिप्शन का एक जर्नी था, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ एल्गोस, इसी तरह अब हम हैशिंग के जर्नी की तरफ जा रहे हैं. और इस हैशिंग के जर्नी में वी नीड टू इंश्योर दैट द कंटेंट्स ऑफ अ पैकेट डिड नॉट चेंज इन द ट्रांजिट. सो हैशिंग और इंटेग्रिटी, दिस इज आवर नेक्स्ट आइटम ऑन एजेंडा. So message authentication, in other words, is called integrity. And message authentication is concerned with protecting the integrity of a message, validating identity of the originator, non-repudiation, dispute resolution, जो कि asymmetric में भी था, लेकिन इसमें भी ये चीज added मिल जाएगी. और इस काम को करने के जो तरीके हैं वो हमारे पास तीन हैं. Message encryption बजाते खुद आपको मैसेज ऑथेंटिकेशन या इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर देती है अगर कीज सिमेट्रिक हो. मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड ये एक और तरीका है, और हैश फंक्शंस एक और तरीका है. अब हम इन तीनों तरीकों को वन बाय वन पढ़ेंगे कि हम इन तीनों से इंटेग्रिटी का काम कैसे ले सकते हैं, और किस तरह से हम ये पीस ऑफ माइंड इख्तियार कर सकते हैं कि हमारा डेटा ट्रांजिट में मॉडिफाई नहीं हुआ, उसमें एक रत्ती बराबर तब्दीली नहीं की गई. इस चीज का पीस ऑफ माइंड लेना है हमने किसी मैथमेटिकल एल्गोरिदम से. तो प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट्स का रीकैप अगर आप देखें, जो हमारे VN प्लस PN की बात हो रही है, तो इसमें हम डिस्क्लोजर से बच रहे हैं, ट्रैफिक को एनालाइज होने से बचा रहे हैं, उसमें रद्दो बदल होने से बचा रहे हैं, उसकी शक्ल हुईयत बदलने से बचा रहे हैं, मैस्करेडिंग डी फॉर्म कर देना, मॉडिफिकेशन से बच रहे हैं, उसकी बेतरतीब कर देना उसको, उससे बच रहे हैं, कोई कुछ वक्त गुजर जाने के बाद रीप्ले कर दे उससे बच रहे हैं, कोई शख्स ये कह दे कि मैंने तो डेटा भेजा ही नहीं, सेंडर, कोई रिसीवर कह दे मुझे ये डेटा तो इस तरह से मौसूल ही नहीं हुआ, तो हम इन तमाम चीजों से अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, इन सब चीजों को लॉकडाउन करना चाहते हैं. यही है ना प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स. और इसी चीज के लिए हमने इंक्रिप्शन का जर्नी अभी कंप्लीट किया है, और इसमें मजीद तकवीयत ऐड करने के लिए अब हम
इंटेग्रिटी का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं. सो विद दिस वी स्टॉप हियर और इन द नेक्स्ट डिस्कशन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हैशिंग और इंटेग्रिटी एल्गोरिदम्स. दैट इज इट फॉर टुडे. कोई सवाल है तो बताइए.